अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में फाइनली वी आर गोइंग टू डू 5C एक्सरसाइज, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था मुझे, क्योंकि मुझे इस तरह के क्वेश्चंस कराने में बहुत मज़ा आता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स A lorry has a mass of 11,600 kg. If the mass of the bricks is 3 times that of the empty lorry, find the mass of the bricks. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमें, यहाँ पे हमें गिवन है दो चीज़ें। अगर हम ध्यान से देखें, एक तो ये कि एक लॉरी के अंदर जब ब्रिक्स डाल दी गई, वो फिल्ड है, ठीक है, फुल ऑफ ब्रिक्स है, उस वक्त उसका मास बताया गया है 11,600 kg। इट मीन्स ये मास दोनों चीज़ों का, यानी ब्रिक्स जो कि लॉरी के अंदर इस टाइम लोडेड है, तो टोटल मास इन दोनों चीज़ों का हो गया 11,600 kg। स्टेटमेंट में आगे लिखा हुआ है, इफ़ द मास ऑफ ब्रिक्स इज 3 times दैट ऑफ एम्प्टी लॉरी, कि अगर जो ब्रिक्स का मास है वो एम्प्टी लॉरी का 3 times हो, तो हमें ब्रिक्स का मास फाइंड करना है। हमें तो लॉरी का भी नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें क्लियर हो रहा है कि हमें लॉरी का जो मास है वो अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से मास ऑफ लॉरी जो है वो हम ले लेते हैं x, ठीक है, और मास ऑफ ब्रिक्स हमें कहा गया 3 times ऑफ लॉरी है, तो वो हो जाएगा 3x। स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज जो बताई गई वो ये बताई गई कि जब सारी की सारी ब्रिक्स लॉरी के अंदर लोडेड हैं, तो टोटल मास उन दोनों का क्या बन रहा है, 11,600 kg। इसका ये मतलब हो रहा है कि टोटल मास जो है इस टाइम, मास ऑफ लॉरी प्लस ब्रिक्स, मास ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 11,600। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं कि एक्स प्लस 3x इज इक्वल्स टू ये चीज़, ठीक है। आई होप कि आपको ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट थी वो हमने पढ़ी। हमें कहा गया कि टोटल मास जो है, जब ब्रिक्स जो है वो लॉरी के अंदर लोड हो चुकी हैं, तो टोटल मास हमारे पास दोनों का 11,600 आ रहा है। हमें कहा गया कि ब्रिक्स का जो मास है वो अगर लॉरी के मास से 3 times ज़्यादा हो, तो हमें ब्रिक्स का मास फाइंड करना है। हमें लॉरी का भी नहीं पता, हमने ज्यूम कर लिया, लेट द मास ऑफ लॉरी इज़ एक्स, उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रिक्स को 3x कह दिया, और हमारे पास ये सबसे पहली बात यही कही गई है कि उनका जो टोटल मास है, ठीक है, ब्रिक्स का और लॉरी का टोटल मास जो है वो इसके इक्वल है। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ब्रिक्स का मास जो कि x है, x हमारे पास लॉरी का मास आएगा, और फिर इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास ब्रिक्स का मास आएगा। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, ये काम कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप लोग। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि लॉरी का जो मास है वो ये है, ठीक है। अब हमने 3x फाइंड करना है, जो कि मास ऑफ ब्रिक्स है, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था। 3x फाइंड करने के लिए 3 × 2900 सो मास ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 8700 kg। अब अगर हमें ये चेक करना पड़े कि हमारा ये आंसर मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो सही आया है या नहीं आया, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन से इसको चेक भी कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू पुट की प्लस उसमें 3x की वैल्यू पुट करके फाइंड कर लिया, करके देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास 11,600 आया तो आ चुका है, बल्कि इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक हमने सॉल्व कर लिया, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपने किस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपने स्टेटमेंट में जो चीज़ें गिवन हैं और स्टेटमेंट में जो पूछा जा रहा है, उस चीज़ को बहुत ध्यान से आप करेंगे, तभी आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ 4 consecutive ऑड नंबर्स इज 56, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स। ये क्वेश्चन अगेन हमारे पास, हमने मैंने आपको 2 वीडियोस में इसका ऑलरेडी समझा चुकी हुई हूँ कि फार्मूला कैसे बनेगा, ये बिल्कुल वही चीज़ है। और फिर इससे पिछली जो वीडियो थी, सॉरी, उस इससे मतलब जो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड की है, उससे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर भी मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि एक हमारे पास प्रैक्टिस 9 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था जो मैंने स्किप करवा दिया था।
बिल्कुल, एक एग्जाम्पल में था। तो हम लोग इसको चलते हैं, करना कैसे है। द सम ऑफ फोर कंजेक्टिव ऑड नंबर्स इज, सम ऑफ फोर कंजेक्टिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है। इससे पहले हमने सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर होंगे कौन कौन से। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम एन ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि और अगर ऑड नंबर्स को देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, वन। एन प्लस टू, एन प्लस फोर, एन प्लस सिक्स। रीज़न मैं पहले बता चुकी हूँ कि एन प्लस टू क्यों किया, एन प्लस फोर क्यों किया, क्योंकि अगर मैं एन प्लस वन करूँगी और लेट से अगर मैं एन को वन ले रही हूँ तो एन प्लस टू जब मैं करूँगी तो यहाँ पे वन प्लस टू जो, सॉरी, एन प्लस वन अगर मैं करूँगी तो वन प्लस वन जो है वो टू के इक्वल हो जाएगा, और टू इज़ एन इवन नंबर, हमें यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए। इसलिए अगर मैं टू से मल्टीप्लाई प्लस करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री, और थ्री जो है वो ऑड नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे फोर से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि वो एक ऑड नंबर दे, और फिर अगेन सिक्स से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि वो हमें एक ऑड नंबर ही मिले। तो ये हमारे पास आ गए फोर नंबर्स। अब उन्होंने कहा है कि इसका जो सम होगा वो है 56 के इक्वल, ठीक है। सम को मैं एस से अगर लिखूं और मैं इन सारों को ऐड करूं, एन, एन प्लस टू, एन प्लस फोर, एन प्लस सिक्स, तो सम की जगह 56 पुट कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, वन टू थ्री फोर एन से प्लस सिक्स 12, फोर एन प्लस 12, मेरे पास ये बन गया। ये इस तरह की सिचुएशन बन गई मेरे पास। यहाँ से मैं एन की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, और एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 को इस साइड पे ले आते हैं। 56 माइनस 12 इज 44 इक्वल्स टू 4n। हमारे पास n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 11। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ फोर नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट जो है वो ये बन रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे n प्लस सिक्स पुट करना है, n की वैल्यू पुट की प्लस सिक्स, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 17। लेट मी चेक द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली, हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है 17, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फोर नंबर्स ले लिए जो भी कंजेक्टिव ऑड नंबर्स बनते थे। यहाँ पे आपने अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर आप n ले रहे हो जिसका आपको कुछ नहीं पता, तो आपने उसको ज्यूम कर लेना है कि वो यकीनन वन ही होगा, ठीक है। अगर वो वन होगा तभी तो हमारे पास n प्लस टू, n प्लस फोर, n प्लस सिक्स बन सकेंगे। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर ही ज्यूम नहीं करेंगे कि वो कौन सा होगा, तो हम बाकी का फॉर्मूला नहीं जनरेट कर पाएंगे। इसलिए आपने इसको ज्यूम कर लेना है। आपने बाकी तीन नंबर्स लिख लिए, उसके बाद इनका सम किया। सम उन्होंने हमें वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 56। इस फॉर्मूला से हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली, और फिर ग्रेटेस्ट नंबर में उसको पुट करके हमने जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो फाइंड कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, आमिरा इज 4 years ओल्डर देन प्रिया एंड शिरले, एंड शिरले इज 2 years यंगर देन प्रिया। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 47, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस। सबसे पहले तीन लोग हैं, ठीक है, आमिरा है, प्रिया है एंड शिरले है। आमिरा की एज जो है वो, शी इज 4 years ओल्डर देन प्रिया, ठीक है, और शिरले जो है वो 2 years यंगर देन प्रिया। अब प्रिया जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हम प्रिया को ज्यूम कर लेते हैं। प्रियाज एज इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, लेट प्रियाज एज इज एक्स। आप इस फॉर्म में लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल की फॉर्म में लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर क्या है कि आमिरा इज 4 years ओल्डर देन प्रिया, यानी कि आमिरा जो है वो प्रिया से 4 साल ज्यादा बड़ी है। प्रिया से 4 साल बड़ी है, इसका मतलब उसके, प्रिया की एज में अगर 4 साल डाल दिए जाएं तो आमिरा की एज बन जाएगी। एंड शिरले'स एज इज 2 years younger than प्रिया, अगर हम प्रिया की एज में से 2 years निकाल दें तो वो शिरले की एज बन जाएगी। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 47, हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है कि वो तीनों कितने कितने साल की हैं। तो सबसे पहले तो सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर प्लस एक्स माइनस टू। सम इज 47 और x यहाँ पे है 3x, और 4 माइनस टू इज 2 प्लस 2, क्योंकि बड़े वाले के साथ
प्लस का साइन है। ये बन गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन। यहां से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। टू को मैं इस साइड पे ले आई हूँ, ये हो गया 45 इक्वल्स टू 3x। 3 को खत्म कर दें, यहां पे आ गया x इज इक्वल्स टू 15। अब जब x इज इक्वल्स टू 15 तो सिम हमें साफ साफ पता लग गया कि प्रिया जो है वो 15 साल की है, ठीक है। यहां पे आमिरा की एज फाइंड करने के लिए 15 प्लस 4 करेंगे तो बन जाएगा 19, एंड शर्ले की एज फाइंड करने के लिए 15 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 13। हमने इन तीनों की एजेस जो है वो फाइंड कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर इज 45। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। दो नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 45 है। एक नंबर तो हमें पता ही नहीं है तो हम क्या कह देते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स, ठीक हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, 2/3 ऑफ द अदर, यानी कि फर्स्ट नंबर का 2/3। सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ फर्स्ट वन, पहले नंबर का 2/3। अब मैं इस 2/3 को कैसे सॉल्व कर लूंगी, ऐसे कर लेते हैं, यानी सेकेंड नंबर हमारे पास एक नंबर x है और दूसरा नंबर 2x/3 है, और हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर जिनका टोटल हमें बता दिया गया 45, ठीक है। यानी कि x प्लस 2x/3 इज इक्वल्स टू 45। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन आ गई है, यहाँ पे हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/3 करके। 3x/3 प्लस 2x/3 इक्वल्स टू 45। यहाँ पे हो जाएगा 3x and 3x is 5x इक्वल्स टू 45। यहाँ पे हम कर लेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 45 into 3, 5 threes are 15 and 5 fours are 12 and 1 13। यहाँ पे हमने 5 को खत्म करना है, x इज इक्वल्स टू 27। x की वैल्यू आ गई, स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड करना था और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास था स्मॉलेस्ट। अब आप इन इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन सा था। मैं x को स्मॉलेस्ट नहीं कहूंगी क्योंकि दूसरा नंबर x का 2/3 है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला होगा, 2/3 वाला। मैं इसके अंदर फॉर्मूला में पुट करती हूँ इस चीज में, इसको करते हैं सॉल्व। 18। सो लार्जर नंबर जो था वो एक्स था जो कि ये है, और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ गया 18। यहाँ पे आप लोगों को एक और हिंट भी मिल सकती है, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते देख लें। एक्स आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो हमें पहले से पता है। दूसरा नंबर फाइंड करना जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। तो 18 जो वैल्यू आई है वो स्मॉलेस्ट नंबर की आई है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 18। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से कहूंगी कि यहाँ पे पहुंचने पे आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि अभी तक के क्वेश्चंस आपने एंजॉय किए हैं या नहीं किए हैं। एंड आई एम श्योर कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे इस पॉइंट पे पहुंच के वो कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे तसल्ली रहे कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन एडेड व्हेन 28 इज एडेड टू इट। अगर एक नंबर को ट्रिपल किया जाए, ठीक है, कोई भी एक नंबर है हमें नहीं पता, लेट द नंबर इज एक्स, ठीक है। इफ इट इज ट्रिपल्ड, अगर मैं इस एक्स को ट्रिपल कर दूं 3x हो जाए, इट गिव्स द सेम रिजल्ट व्हेन 28 इज एडेड टू इट। इसका रिजल्ट बिल्कुल किसके इक्वल होगा अगर उस नंबर में 28 को ऐड कर दिया जाए। बहुत सिंपल सा इक्वेशन बनी है ये, दोबारा से आपको बताती हूँ कि हमें नहीं पता कि नंबर क्या था इसलिए हमने कह दिया नंबर इज एक्स, ठीक है। कहा गया है कि अगर उस नंबर को ट्रिपल कर दिया जाए, ठीक है, अगर वो नंबर ट्रिपल हो जाए
तो उसका उसका वो किसके इक्वल होगा, अगर उसी नंबर में 28 को ऐड किया जाए तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अब हम पहले नंबर को फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि वो सही सेम है या नहीं है। नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो सिमिलर वेरिएबल्स वाली चीज़ें हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, एक्स को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 28 एक्स इज इक्वल्स टू 14। अब हमने ये देखना है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है या नहीं है। हम 3x को देखते हैं क्या बनेगा, फोर्टी टू, और एक्स प्लस 28 को देखते हैं, जी जनाब, तो हमारी ये दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी आ रही हैं। इसका मतलब क्वेश्चन जो था वो हमने सॉल्व कर लिया कि अगर एक नंबर को, यानी अगर 14 को हम ट्रिपल कर दें तो वो बिल्कुल किसके इक्वल होगा, अगर हम 14 और 28 को ऐड कर दें। तो हमने ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि स्टेटमेंट आपको मैं बुक दोबारा दिखा दूँ, इसके ऊपर इतने बड़े बड़े क्रॉसेस लगे हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप देखिएगा कि इसे भी हम चुटकी में सॉल्व कर देंगे बिल्कुल। अ ट्रेवल एजेंसी इज प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, द एजेंसी रिसीव्स कोटेशंस फ्रॉम टू कोच कंपनीज, माया एक्सप्रेस एंड ग्रेट हॉलीडेज। माया एक्सप्रेस चार्जेस $15 फॉर ईच पर्सन, वाइल ग्रेट हॉलीडेज चार्जेस अ फिक्स अमाउंट ऑफ $84 एंड एन एक्स्ट्रा ऑफ $12 पर पर्सन। इफ द टोटल अमाउंट चार्ज बाई ईच कंपनी इज द सेम, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन द हॉलीडेज। सो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर क्या पता होनी चाहिए कि माया एक्सप्रेस जो है वो $15 चार्ज कर रही है फॉर ईच पर्सन, ठीक है, एंड द ग्रेट हॉलीडेज चार्जेस अ फिक्स अमाउंट ऑफ 84 एंड एन एक्स्ट्रा ऑफ 12 पर पर्सन। अब देखते हैं इसमें हमने करना क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम डाटा लिखते हैं कि डाटा क्या कह रहा है। माया एक्सप्रेस जो है वो $15 ईच पर्सन चार्ज कर रही है, हमें नहीं पता बंदे कितने, हमने बंदे फाइंड करने हैं, ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल्स टू एक्स। अगर एक बंदे से $15 लिए जा रहे हैं तो एक्स बंदों से कितने लिए जाएंगे, 15x, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे, अगर जो ग्रेट हॉलीडेज है अगर ग्रेट हॉलीडेज एक बंदे के ले रही है 84, तो वो पूरे के पूरे मतलब 84 वो क्या कहते हैं कि एक ही दफा मतलब लेगी, लेकिन हर बंदे से वो 12 एक्स्ट्रा ले रही है, 84 प्लस $12 अगर ग्रेट हॉलीडेज चार्ज कर रही है तो कितने बंदों से वो हमें नहीं पता नंबर ऑफ पर्सन कितने, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 84 प्लस 12x, ठीक है, जो 12 है वो हर एक से अलग अलग लेगी, लेकिन 84 जो है वो एक ही दफ़ा जो भी बंदा उन्हें लेके जा रहा है वो एक ही दफ़ा उसको पे कर देगा, लेकिन $12 जो है वो हर एक को अलग अलग देने पड़ेंगे। सो हमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता, इसलिए मैंने 12 के साथ एक्स लिख दिया, जैसा मैंने यहाँ पे 15 के साथ एक्स लिखा था। अब हमें ये कहा जा रहा है कि इफ़ द टोटल अमाउंट चार्ज बाई ईच कंपनी इज सेम, अगर दोनों की कंपनी दोनों जो चार्ज करें अगर वो सेम है, यानी कि 15x जो है वो 84 प्लस 12x के इक्वल है, तो हमें बताना है कि कितने लोग जा रहे हैं हॉलीडेज के ऊपर। तो इसको हम इक्वेशन हम बना चुके हैं, यहाँ से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 12 को मैं इधर ले आती हूँ, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 84 सो x इज इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज़ कंक्लूड की कि कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा बड़ी होती है ना, देखने में जितना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा सा होता है और उतना ही इजी होता है। यहाँ पे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी,
आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एक ट्रैवल एजेंसी जो है वो लोगों को हॉलीडेज पे लेके जा रही है। इस काम के लिए दो कंपनीज कोच कंपनीज सामने आई, एक जो है वो लेके जा लोगों को लेके जा रही है $15 पर पर्सन के हिसाब से, और दूसरी जो है वो 84 जो है वो एक ही दफ़ा लेगी, लेकिन उसके अलग से वो हर बंदे से $12 अलग चार्ज करेगी। हमें कहा गया है कि अगर ये दोनों की कॉस्ट सेम होती है, इसीलिए मैंने इक्वल कर दिया कि अगर माया एक्सप्रेस जो है वो ग्रेट हॉलीडेज की बिल्कुल इक्वल चार्ज कर रही है, तो हमें इस इक्वेशन से नंबर ऑफ पर्सन हम बता सकते हैं कि कितने लोग हॉलीडेज पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर वीडियो को करते हैं एंड, और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा ताकि मुझे पता चल सके आपको लोगों को मेरी ये जो क्वेश्चंस मैंने समझाए ये आपको समझ आए या नहीं आए।